विश दैट दे यू नो गेट लाइक स्टेबिलिटी सून. जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना, बात तख्लिये की है. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. जीजा, एंड कुछ बात है इस मेलोडी की कि इसको जो भी जिस भी गाने में यूज़ करता है, हमें ऐसे ही फीलिंग आती है कि बस दिल चाहता है कि भाई कोई शादी आ जाए और वहाँ पे जाके हम जो है ना किसी को भी जीजा बोल के डांस करना शुरू करते हैं. टेकिंग यू हालात हाजरा की कुछ रिपोर्ट्स की जानिब, एंड वाइल दैट इज़ हैपनिंग, आई थिंक आई नीड टू फिक्स दिस अ लिटिल बिट. ओके, या दिस इज़ गुड. सो वाइल दैट इज़ हैपनिंग, वी हैव सम इंटरेस्टिंग इमेजेस ओवर हेयर ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश. एक्चुअली यू नो प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. ये जो प्रोटेस्ट हैं, दे स्टार्टेड समवेयर इन मिड जुलाई और पीसफुल प्रोटेस्ट से बात शुरू हुई थी और बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी. बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि बात निकली और बात यहाँ तक आन पहुँची है दैट 15 साल की PM शेख हसीना को ना सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ा बल्कि मुल्क से भागना पड़ा. ओ माय गॉड. नाउ प्रोटेस्ट जो है वो किस बात पे शुरू हुए, कुछ इमेजेस हैं बांग्लादेश से, वहाँ वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ. और ना सिर्फ ये इमेजेस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, यू नो लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश, लेट्स यू नो विश दैट दे यू नो गेट लाइक स्टेबिलिटी सून. लेकिन इस एक्शन से क्या बात पता चलती है, इस एक्शन से ये बात पता चलती है कि डेमोक्रेसी doesn't always work, but the people have the power to make it work. July mein ye ek mahina pehle, not too long ago, ye protest shuru hue jisme ke they were demanding ke jo quota system rakha gaya hai veterans aur veterans ki families ke liye civil jobs, सिविल गवर्नमेंट जॉब्स, वो जो कोटा सिस्टम रखा गया है उसको हटा दिया जाए बिकॉज यंगस्टर्स के पास वहाँ पर जॉब्स नहीं है. कहना चाहिए बांग्लादेश की जेन जी ने जो है वो हुकूमत का पासा पलट दिया. उफ़, क्या उर्दू का वर्ड है, फ्रेज़ है ये, पासा पलट जाना. बिल्कुल, एंड दिस इज़ एक्चुअली यू कैन सी दीज, ओ माई गुडनेस, वाओ, दिस इज़ सम रियली मूविंग इमेजेस. एंड वाइल वी आर you know praying for you know peace in Bangladesh, let's you know pray for peace in all other different parts of the world as well, jahan par a lot of devastation is going on. You know, there's lots of you know devastation happening in Sudan, it's happening in Ukraine, and of course pray for peace, pray for Palestine as well. And on this note, let's move on towards the show. Abhi show mein kya kya aane ja raha hai, वही ज़रा सी बात है मेरे पास एक अमजद इस्लाम अमजद की, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट नज़म्स, वो भी आपके साथ शामिल करूँगी. एंड इसके अलावा जब हम ट्रैफिक एंड वेदर की बात करते हैं तो चलो वेदर तो समझ आता है, बट ट्रैफिक शो में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आई एम स्टिल डिबेटिंग अबाउट दैट. जब तक मैं इस पर डिबेट करती हूँ कि ये होनी चाहिए कि नहीं ट्रैफिक हमारे शो में, ट्रैफिक अपडेट्स, तब तक लेट्स चेक आउट आवर नेक्स्ट ट्रैक. एंड इस गाने में आपको लेके जा रही हूं माजी में. बैक इन टाइम्स ऑफ द मूवी फैशन एंड कंगना रनआउट, तेरे इश्क में मर जावा, मिट जावा. जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में. जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में. वक्त की रवानी है, बख्त की गिरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है. तुमको जो सनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं. दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, आंख के दरीचे में जो तूने सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है. जो लहू की खिलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पे टूट टूट जाता है. जिंदगी से लंबी है,
बात रत जगह की है। रस्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। रस्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। वाह क्या बात है अमजद इस्लाम अमजद। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में।